दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग के जरिए। तो कुछ टैरो के कार्ड्स लेंगे, साथ ही साथ लव मैसेजेस और ओरेकल कार्ड्स भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। ये तीसरा कार्ड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा, ये आठवा और ये पांचवा। एक, दो, तीन, चार, पांच। आप लव मैसेजेस में से लेंगे चार मैसेजेस। शुरुआत करेंगे हम टैरो के जरिए। जैसा कि पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ये आपकी तरफ से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप चाहे तो आप अपनी तरफ से कोई बोल्ड स्टेप भी उठा सकते हैं। काफी कुछ फैंटेसीज है इनके दिलो दिमाग में और उनको लगता है कि आपको उस बात का भली भांति एहसास है, लेकिन फिर भी आप शायद अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो एग्जैक्टली क्या है आपके दिलो दिमाग में, आपका नेक्स्ट मूव ये वो सोच रहे हैं या फिर जानने की चाहत में जरूर है। फिर है फोर ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बात आ रही है। जैसे इस पर्सन ने सभी पेंटेकल को अपने हार्ट के पास क्लोज पकड़ के रखा है कि ये सब मेरे हैं, इन पे सिर्फ मेरा हक है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आप कह सकते हैं कि इसी तरह से आपको अपने गले लगाना चाहते हैं और आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में ये वक्त बीत रहा है उतना ये और आपको अपना मान रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एहसास उनके दिलो दिमाग में है कि ये सिर्फ मेरा है या ये सिर्फ मेरी है। अब देखेंगे बाकी के कार्ड हमें क्या बताते हैं। कोई भी रिवर्स कार्ड हम नहीं लेने वाले। फिर है फोर ऑफ सॉन्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, रात को ये सोने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन आपसे जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा हावी रहती है, जिस वजह से आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन भी करते रहते हैं। क्योंकि अगर नींद नहीं आ रही, जिस पर्सन को याद करके इंसान तड़प रहा है उसकी याद में उसका बेचैन की हालत में इस तरह से बुरा हाल हो रहा है कि पल भर का भी सुकून नहीं, तो वो वही चाहेगा कि जल्द से जल्द मुझे सुकून की फेज मिले। यानी कि आपके साथ आगे के फ्यूचर को लेके ये एक ऐसा सपना देख रहे हैं या देख रही है जो जल्द से जल्द पूरा होने की चाहत इनके दिलो दिमाग में हर दिन ये महसूस करते हैं। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे स्लाइटली शायद टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दोनों भी शायद एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे लेकिन ये मुड़ मुड़ के आज भी जैसे ये पीछे मुड़ के देख रही है, इसके पास कई सारे सॉर्ड्स हैं, वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कई सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, या फिर एक बातों का ऐसा सिलसिला है जो शायद रुका हुआ है और ये चाहते हैं कि आप दोनों भी इस टू ऑफ कप की एनर्जी, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकल जाए। अगर दोनों भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन को शुरुआत करें। यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है, यानी कि रात के वक्त भी शायद इन्होंने काफी ज्यादा इंतजार किया है, या मोस्टली ये रात के वक्त आपके कॉल का, मैसेज का इंतजार करते रहते हैं या करती रहती है। फिर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे तीन लोग हैं, हम दो लोगों का चेहरा देख पा रहे हैं, तीसरा पर्सन हमें नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही या तो ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं जहाँ पे बाल बच्चे वगैरह भी है, लेकिन उस रिश्ते में ये पर्सन खुश नहीं है और उस रिश्ते से निकलना चाहता है या चाहती है,
फिर भी कुछ बातें हैं जो उनको आगे बढ़ने से डरा रही है। ये शायद कुछ बातें करना चाहते हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की। ये भी ये हो सकता है जिनके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो रहा है बस वही उस बात का मीनिंग ले, बाकी लोग बाकी के कार्ड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स, लोनलीनेस छाया हुआ है उनके दिल के ऊपर, काफी ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, रोमांस दिन ब दिन दिलो दिमाग पे हावी होता चला जा रहा है और ये टू ऑफ कप की एनर्जी मिस कर रहे हैं। मतलब बेचैनी में जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा फायर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये तड़प रहे हैं और बस यही चाहते हैं कि आखिर कब वो टू ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ेंगे। फिर है स्टार, ये विश कार्ड होता है, एक्वेरियस का कार्ड है। यहाँ पे भी ये आसमान की तरफ देखने की कोशिश कर रही, जहाँ पे इसको स्टार भी हार्ट शेप में नज़र आ रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी अगर दिलो दिमाग पे कोई बातें हावी रह रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें हैं। ये चक्र ओरेकल डेक है, ये ग्रीन कार्ड कलर बताता है उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, जिस वजह से उनके दिल में प्यार का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये अपने प्यार का कोई पैगाम आपकी तरफ पहुँचाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं मिल रहे जो बातें उनके दिल के एग्जैक्ट हालात को आपके सामने रख दे। अब कैसे बताएं आपको कि क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं ये, या फिर क्या हालत है उनकी, ये वो समझाना चाहते हैं या समझाना चाहती हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ वैंड्स, पैशनेट बहुत ज़्यादा है लेकिन जैसे यहाँ पे हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही इनको लग रहा है कि जैसे एक एक दिन बीत रहा है इनके दिल के ऊपर ये पैशन का जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब ये बर्डन की उस एनर्जी तक पहुंच गए हैं कि जहाँ पे और ज़्यादा बर्दाश्त करना इनके बस की बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक ऐसे भी फेज से ये गुजर रहे हैं जहाँ पे इनका अपना एक स्ट्रगल चल रहा है और उस स्ट्रगल में उनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ आप है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स, प्रिजर्वेंस, जैसे हर कोई ज़िंदगी में कुछ चीज़ें संभाल के रखता है, उसको पता होता है जो सिर्फ बहुत बचपन से भी कुछ बातें जुड़ी हुई होती है कि वो चीज़ भले ही काम की नहीं है लेकिन मैंने वो संभाल के रखी है क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे ही इनको पता है कि आपके इम्पोर्टेंस आखिर इनके ज़िंदगी में क्या है, छोटी छोटी आप दोनों के बीच में जो भी बातें अब तक हुई हैं या फिर जो इंसिडेंट्स हैं उनको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संभाल के अपने दिल में रखा है और जब भी शायद ये अकेलेपन से गुजरते हैं तो उन्हें वही बातें या फिर वही एहसास एक सुकून दिलाता है। फिर है रिकवरी, यहाँ पे शायद किसी किसी के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है तो थोड़ा हीलिंग फेज चल रही है। ये चाबी बताती है कि सॉल्यूशन आप दोनों के भी सामने है, या तो कोई एंजल आप दोनों की हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है या आ चुका है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन तो अब ऑलमोस्ट मिल ही गया है और एनी टाइम इस रिलेशनशिप के उस मकाम तक आप दोनों पहुंच सकते हैं जो भी दिल की चाहत है, ऐसा इन्हें लगता है। फिर है सोलमेट, ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि उन्हें अब पता चल चुका है। यहाँ पे थर्ड आय आप देख सकते हैं तो मे बी थर्ड आय ओपनिंग भी हो चुकी है जिस वजह से क्राउन चक्र भी आप कह सकते हैं एक्टिव हो गया है। दिलो दिमाग में आपकी बात है, स्पेसिफिकली माइंड तो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचता ही रहता है और उन्हें एहसास हो गया है कि ये पर्सन ज़रूर मेरा सोलमेट ही है। मतलब जैसे दुनिया लाखों करोड़ों की भीड़ में हमें दिखाई देती है लेकिन हर किसी के बारे में तो दिल वैसा फील नहीं करता जैसे स्पेसिफिक समवन के लिए हम फील करते हैं, वो एहसास ये दिल से महसूस कर रहे हैं। फिर है सर्विस, यहाँ पे जैसे कोई एक फीमेल पर्सन है वो बीमार है और ये सब लोग ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही या तो इनके घर में कोई बीमार हो सकता है जिनका ये ख्याल रख रहे हैं और जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका बस ध्यान यही है कि ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। मतलब ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड भी है, वैसे ही शायद हो सकता है कि इनको भी पता है कि आपको भी अच्छी तरीके से पता है इनका फैमिली के साथ अटैचमेंट क्या है, यानी कि आपको जब अपना ये सोलमेट मानते हैं तो उन्हें भली भांति यही लगता है कि आप भी उनकी फैमिली में इजीली एडजस्ट हो जाएंगे या हो जाएंगे। और फाइनल कार्ड है ग्रोथ, जैसे कोई भी पेड़ हो पौधा हो उसको बड़ा होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन उसकी प्रोग्रेस होती रहती है, वैसे ही इस रिश्ते को भी आपके पर्सन ने पनपते हुए देखा है और उनको पता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, सेपरेशन की दूरियाँ इन जड़ों को नहीं हिला सकती, यानी कि दूरियाँ आप दोनों के रिश्ते को
एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती, इस बात का उनको एहसास है और अपने आप को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं या कर रही है कि स्पेसिफिक वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। आप देखेंगे उनकी तरफ से लव मैसेज, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, ये वही कार्ड है आपके लिए, काफी ज्यादा तड़प रहे हैं और आखिर कब वो पल आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, बस यही उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। आई एम अफ्रेड टू टेल यू हाउ मच आई लव यू, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ये काफी ज्यादा आपको प्यार करते हैं और बताना चाहते हैं कि सच में इनकी आपके बगैर हालत क्या हो रही है, लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, किसी बात की तो हिचकिचाहट इनके दिलो दिमाग में है कि कहीं आप उनके फीलिंग्स को लेके कुछ गलत ना समझ ले, हंसी ना उड़ा ले कि इतना भी कोई ऐसे सोचता है या फिर मस करता है या करती है। तो काफी कुछ है इनके दिलो दिमाग में, ये जो बताना चाहते हैं, यू मेक मी फील लव्ड, तो आपने इस पर्सन को जो एहसास महसूस करवाया है उस प्यार के एहसास को ये काफी ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं, और प्यार होता क्या है ये आप ही की वजह से उन्होंने समझा है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, तो जब भी मुसीबत में होते हैं या फिर इनको कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होते हैं और जब भी इन्होंने उस मुसीबत की घड़ी में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो आपने हमेशा उनको रिस्पॉन्स दिया है, और ये एहसास ही उनके लिए खास है कि जब भी उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट करने की कोशिश की आपने हमेशा उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो अब तक के बीते लम्हों को याद करके ये उस बात के लिए आपको थैंक यू कहना चाहते, क्योंकि उस घड़ी में शायद ये काफ़ी ज़्यादा अकेले थे और आपकी कुछ चंद बातों ने या फिर आपके सपोर्ट ने उनको इतना ज़्यादा हौसला दिलाया या फिर हिम्मत दिलाए कि वो उन पलों से डील कर पाए जो उनके ज़िंदगी के शायद बहुत मुश्किल वक्त के कुछ लम्हे थे। तो उन्हीं लम्हों को याद करके ये आज भी आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके साथ एक प्यारा सा फ्यूचर जरूर ये देखते हैं और उस फ्यूचर की चाहत में ये दिन रात जगते रहते हैं, और इसीलिए उनके दिल की बस बात यही है कि जल्द से जल्द वो सपना पूरा हो जो ये सोचते हैं या फिर जिस सपने की पूरी होने की चाहत इनके दिल में है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।